कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हो गया है, ये बताते हुए आंखें रो रही है। लेकिन एम्स के डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि देश के सबसे शानदार कॉमेडियन हमारे बीच नहीं रहे। 10 अगस्त को हार्ट अटैक पड़ने के बाद राजू को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। करीब 40 दिनों से राजू वेंटिलेटर पर बेहोश पड़े थे। बीच बीच में उन्हें होश भी आया, लेकिन कभी वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। राजू के करोड़ों चाहने वाले उनकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि राजू ठीक हो रहे हैं। खुद उनके परिवार वालों ने बताया था कि राजू की तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन अब खबर आई है कि राजू अपने चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। राजू को जिम में रनिंग करते वक्त हार्ट अटैक आया था। हिंदुस्तान के सबसे काबिल डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। राजू के चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन सबसे बुरा हाल राजू के परिवार वालों का है, जो लगातार आस लगाए बैठा था कि राजू ठीक हो जाएंगे। कॉमेडी का सबसे बड़ा दिया बुझ गया है, अब कोई यूं हंसाने नहीं आएगा।